हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, खास क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर इंसर्ट करा रखा है, इसको हटा देता हूँ। कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर लेके आने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक रो और कैर फॉर्मूले की मदद से बताता हूँ कि कैसे होगा। ये यहाँ पे वन लिखिए, यहाँ पे टू लिखिए, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीका तो यही होता है, इस तरह से लेकर के इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और फिर ड्रैग करते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये आपको सीरियल नंबर देता चला जाएगा। जहां तक आप जाएंगे वहां तक ये सीरियल नंबर आता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका मैं आपको फॉर्मूले की मदद से बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो कैर फॉर्मूला लगा लीजिए, कैर ये फॉर्मूला लगा लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए कैर फॉर्मूला लगाने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर 64 लिखना है। स्काई कोड होता है तो यह 64 लिख दिया हमने, और जैसे ही 64 लिखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, प्लस यहाँ पर रो का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये रो का फॉर्मूला लगा दिया, अब ये रो का फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पर लिखना क्या होगा हमको, यहाँ पर आपको सिंपली लिखना होगा B2। ये B2 लिखा हमने और इसको बंद किया और एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर B आ रहा है। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए हम चले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये ड्रैग कर दिया हमने कुछ इस तरीके से, तो बी सी डी ई एफ जी एच ये आता चला जा रहा है। यही चीज अगर हमको यहां पर करनी हो तो क्या करेंगे, और तरीका आपको यही यूज करना है, इज इक्वल टू, सबसे पहले कैर यूज कीजिए। तो ये कैर आ गया, और कैर आने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, कैर आने के बाद जो वहां पे कर रहे थे 64 से स्टार्ट, तो यहां पर भी 64 से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्लस रो का फॉर्मूला लगाइए और यहां पर आपको स्टार्ट कहां से करना है, A2 से, ठीक है। तो जब A2 लिखेंगे यहां पर तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर भी B ही आएगा, लेकिन अगर यही चीज यहां पर अगर आप लगा देते हैं इज इक्वल टू कैर, अब देखिएगा ये कैर लिखा हमने और कैर लिखने के बाद यहां पे 64 देंगे और 64 के बाद प्लस रो का फॉर्मूला यूज करेंगे। कुछ इस तरीके से रो का फॉर्मूला यूज किया और यहां पर ये A1 है तो यहां पे A1 दे देता हूं और दोनों को बंद करके एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे देखिए A आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऊपर वाले कॉलम में यूज करेंगे तो A आ जाएगा। तो अब ये इस तरीके से आप सीरियल नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये रो और कैर के फॉर्मूले को यूज करके था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।